70 का, इनफैक्ट kind of a 3-1 ही लग रहा है अगर प्रिंस को हम लोग सारंग और अलादीन की साइड पर कैलकुलेट करें तो। लेकिन इस चीज को भेद पाना टीएसएम को करना ही पड़ेगा। अगला सर्कल चलना शुरू हो चुका है और सर्कल के साथ साथ टीम्स को, प्लेयर्स को 23 मीटर जोन में जाना है, 50 मीटर जोन में जाना है। ये 50 मीटर आपके लिए 3 पॉइंट्स का, 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स का फर्क बना सकता है पहले ही गेम में। 9 फिनिशेस 7C के पास है डबल डिजिट में, वो भी अपनी दस्तक बना सकते हैं। वहीं पर 16 टीएसएम के हिस्से में नजर आ रहे हैं, बट व्हाट विल हैपन, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए ये 50 मीटर 500 मीटर से कम नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर ये 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है 7C के लिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आएगा किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। बट टीएसएम का जो डोमिनेशन देखने को मिल रहा है ओशन इस समय पे, वो अलग लेवल पे जा चुका है। शैडो 5 फिनिशेस यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेवल 3 का हेलमेट उनके पास है, लेवल 2 का थोड़ा सा डैमेज है। बट जिस तरीके से यहाँ पे खेला जा रहा है, निंजा की तरफ से एक नेड आएगा, स्प्रे कोट को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है। 7C क्लियरली ऑन द बैक फुट, दे डोंट हैव अ गुड पोजीशन यहाँ पे ओशन, और यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल उनके लिए। बहुत ज्यादा अभी भी प्लेयर फिनिश नहीं हुए, ये फाइट अभी भी है जरूर। बट वेल अब बैक फुट पर टीम जा चुकी है, 4v3 का यहाँ पर सिचुएशन था, 4v2 इनफैक्ट बन चुका है, 4v1 देयर इट इज, 3v1 सिचुएशन, 2v1 सिचुएशन, प्रिंस के हिस्से में गेम जा सकता है। इट्स डाउन टू अ 1v1, ब्लेज वर्सेस प्रिंस, विल प्रिंस बी द किंग हियर और What's gonna happen? क्योंकि उनको आखिरी प्लेयर ब्लेज को पिक करना ही पड़ेगा पूरी फाइट बनाने के लिए। हेलमेट पूरा का पूरा गया, गुजरा हो चुका है प्रिंस का, फाइट निकाल करके अपनी टीम को इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। ब्लेज 3 फिनिशेस है, चौथा यहां पर मार सकते हैं, मौके पे चौका मारने वाली बात हो सकती है। गोइंग फॉर द फिनिशेस एज वेल, फिनिश पॉइंट्स एक्युमुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारंग की एचपी लो थी, उनको फिनिश की जगह ब्लेज स्पॉटेड, ब्लेज ही स्पॉटेड राइट नाउ। प्रिंस के साथ यहां पर एक नेड को कर रहे हैं, अगर जंप नेड करते जरूर वहां तक जाएगा, ही गोस फॉर इट, हल्का सा जंप लिया था, नेड वहां पर गया जरूर है, बट ब्लेज के थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। ब्लेज की तरफ से भी एक ग्रेनेड जाने की कोशिश हो सकती है। ये फाइनल फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ही सर्वाइव्स द फर्स्ट वन, ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव द सेकंड वन एज वेल, बट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। नेड बिल्कुल उनके करीब था, बट वो पेड़ का डिफरेंस, बट प्रिंस इज डूइंग अ बोल्ड मूव, वो सामने आ चुके हैं और ब्लेज उनको स्पॉट कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक और नेड या एक और मोलोटोव रहता है काफी अच्छा होता है। ब्लेज इन द ओपन, ब्लेज इन द ओपन, ब्लेज इज इन द ओपन, ब्लेज इज 1 HP, एक गोली और एंड 7Cs, What a game! How is this even possible, Ocean? I mean, TSM के पास है एक numbers game का advantage था, TSM के पास एक positioning का advantage था, still somehow, somewhere, they managed